हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लर्न कोचिंग्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पीछे दो मॉक टेस्ट किए हैं आपके मैथ के मिक्स दिल्ली पुलिस के लिए, आज हम तीसरा करने जा रहे हैं और हम कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब देखिए, आपके पास जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो क्या है आपका, थ्री नंबर आर इन द रेशो ऑफ 1:2:3। तीन नंबर आपके किस रेशो में, आपके 1:2:3। क्लियर। अब क्या कह रहा है, बाई एडिंग 5 टू ईच ऑफ देम द न्यू नंबर आर इन द रेशो ऑफ 2:3:4। इनके अंदर क्या किया, 5-5 ऐड किया सभी के अंदर, यानी 5 जोड़ा, तो ये कितना हो गया, 2:3:4 हो गया, जो नया रेशो है। अब देखिए हम किस इसके अंदर अगर बात करें, रेशो कितना ऐड कर रही है, 1 यहाँ ऐड कर रहे हैं, 1 यहाँ पे और 1 ही यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए 1-1 ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है ना, सभी में सेम है, तो क्वेश्चन है तो क्या कह रहा है हमारा, कितना ऐड करें, 5, यानी कितने यूनिट, 5 यूनिट। अब आपसे पूछा है ये तीनों नंबर क्या क्या है, कुछ मत कीजिए, आप इसको भी क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना, इसको 5 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, 5, ये आपका 10 और ये आपका 15। तो आपका जो ऑप्शन हुआ, यानी कि जो आंसर आया, कितना है हमारे नंबर, 5, 10 और 15। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो कौन सा, 2 आपका, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज। ठीक है, यानी ए किसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में कर सकता है, और बी कितने दिन में, आपका बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 दिन। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आपका ये थोड़ा सा गलत है, तो इसको 15 कर लेना, हिंदी में आपका ठीक लिखा हुआ है। ए कर सकता कितने दिन में, 18 दिन में, और बी कर सकता आपका 15 दिन में। क्लियर। अगर हम यूनिट बात करें, कितना यूनिट वर्क होगा हमारा, इनका एलसीएम लेंगे कितना, 90 से कितना, 5 टाइम्स, और ये कितना, 6 टाइम। यानी ए तो हर रोज कितना काम कर रहा है आपका, यानी डेली अगर बात करें, एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी कितनी, 5, और बी की कितनी, 6। अब आपसे बोल रहा है कि बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यानी कि है ना, बी ने उस पर 10 दिन काम किया, उसके बाद छोड़कर चला गया, तो आपसे पूछ रहा है ए है ना, बचे हुए काम को, यानी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कितने दिन काम किया इसने, बी ने 10 दिन। अब 10 दिन में इसने कितने यूनिट कार्य कर दिया होगा, 60 यूनिट कार्य कर दिया। अब कितना बचा हमारे पास, 30। अब ये 30 किसने करना है, आपका ए ने करना है। ए ने करना है तो कितना टाइम लगेगा, ए की जो एफिशिएंसी कितनी, 5 है, यानी ए को टाइम लगेगा आपका कितना, 6 डेज। क्लियर, ऑप्शन आपका ए। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए मैन कैन स्विम 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कहां क्या कर सकता है, तैर सकता है, और इफ द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, यानी बहाव है, यानी जो पानी का बहाव है ना, जिस गति से पानी चल रहा है, वो कितना आपका, 2 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि द टाइम टेकन बाई हिम टू स्विम टू प्लेस 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम एंड बैक। यानी ये मान लीजिए आपकी ये कोई भी आपकी नदी है, ठीक है, इसके अंदर उस व्यक्ति ने क्या करना है, तैरना है। अब जो व्यक्ति है ना, वो आपका 3 किलोमीटर पर आवर की गति से क्या कर सकता है, 3 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर सकता है। अब ये जो अगर हम बात करें, अगर पानी हमारा इस साइड जा रहा है, यानी बहाव नदी का उसकी उस साइड है, यानी कि इस तरफ जा रहा है, तो ये बोल रहा है पानी का बहाव कितना आपका, 2 किलोमीटर पर आवर। डन। अब ये जो टोटल डिस्टेंस बोली उसने कितनी, 10 किलोमीटर। अब बोल रहा है आपसे एक बार वो जाए और एक बार वापिस आए, तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब देखिए 10 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस हुई, तो अगर हम बात करें, अगर वो बहाव की दिशा में जा रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, जो स्पीड किसकी है, मैन की स्पीड है, और प्लस किसकी हो जाएगी आपकी, स्ट्रीम की, यानी बहाव की। तो टोटल क्या होगी स्पीड उसकी, 3 + 2, तो 10 किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगेगा, 2 आवर। क्लियर। ये तो हुआ हमारा कब, जब वो क्या जा रहा है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है, क्या जा रहा है, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है। अब बात करें हम अपस्ट्रीम की, जब वो वापस आएगा, वापस आएगा तो क्या होगा, 3 किलोमीटर की गति से तो आएगा, लेकिन 2 किलोमीटर गति किसकी आपकी, पानी के बहाव की, तो वो उसको वापिस धकेलेगी, तो उसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी आपकी, 10, यानी स्पीड कितनी होगी, 3 - 2, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आई इसकी 1 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 10 आवर। अब आपसे पूछा है आने और जाने में कितना टाइम लगा टोटल, तो कितना लगा आपका,
12 आवर, यानी 12 घंटे लगेंगे उसको आने और जाने में। ऑप्शन कौन सा आपका? सी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सी छूट क्या आपकी बेहतर है आपकी, यानी कि एक तो है 20%, क्लियर, दूसरा आपका 15%, साथ में दिया भाई फर्स्ट ऑप्शन के आपके जो भी फर्स्ट आपके पास ए दिया है, और फिर आपकी 10%, क्लियर। अब इसकी बात करना है एक कल किसके बराबर होगी, या तो हम क्या करें इसको एक फॉर्मूला उससे कर लें, नहीं तो एकदम सिंपल 100 से ही कर लें। 100 से कट करोगे आपका, 100 से पहले हमने क्या किया माइनस ट्वेंटी करा, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 80, यानी कितनी होगी 20 ही होगी अगर 100 का करें तो। फिर उसके बाद हमारा कितना 15% अगर मिला हमें, 15 की 8 की गुना करोगे 120 होगा आपका, 20 क्या कट देंगे हम, कट कर देंगे यानी 12, फिर बचा कितना हमारे पास 68। अब इस 68 का भी कितना 10% और 10% कितना होगा इसका 6.8, क्लियर। अब देखिए हमें कितनी टोटल छूट मिली, 20 तो ये मिली थी, ठीक है, और 15 ये 12 ये मिली, कितनी हुई 32 और 6 38, यानी 68. आपका 80, ये हमें टोटल परसेंटेज ऑफ छूट मिली कि इसमें पहले वाले केस में। दूसरा हमारे पास गया है उसमें क्या आपकी, एक है 25%, फिर आपका 12%, जो थर्ड है वो कितना आपका 8%। अब इसकी बात करें हम, ये कितने बनेगी हमारे, अब इसको लिख लीजिए यहीं पे 38.80, ठीक है, ये परसेंट है। अब अगर हम बात करें सेकंड वाला जो, उसकी कितनी बनेगी हमारे पास, एकल छूट की बात करें 100 है, इसमें से माइनस 25% करना हमने, ठीक है, यानी कि 25, यहाँ पे कितना आपका 75। अब इसमें से कितना 12% निकालो, कितना होगा 9 होगा। अभी मैं सोचना कैसे निकाल रहा हूँ मैं, पहले करके 12 की और 75 की मल्टीप्लाई करो कितनी होती है 900 की 20 हमने कट कर दी 100 से, और क्या बचा हमारे पास 9, अगर इसमें से 9 माइनस करोगे कितना बचा आपके पास 66 का कितना चाहिए हमें 8% निकालोगे, कुछ मत करो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट लगा देना, 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारे पास 128, इस पे पॉइंट लगा दिया हमने। अब एक छूट मिलेगी हमें कितनी 5.28, अब टोटल हमें कितनी छूट मिली, 25 तो यहाँ पे मिली थी, 9 यहाँ पे और ये यहाँ पे, अब कौन सी छूट ज़्यादा, 25 और 9 34, 34 और 5 39, यानी 39.28। अब इसमें तो हमें मिल रही है 39.28 छूट, और जो दूसरे वाला उसमें कितनी मिल रही थी 38.80, ठीक है। अब कौन सी छूट ज़्यादा मिल रही है हमें बताओ, इसमें ज़्यादा मिल रही ना छूट, तो हमारी जो बेहतर छूट हुई कौन सी हुई, सेकेंड वाली, यानी सेकेंड इज, यानी कि आपका जो ऑप्शन के अंदर बात करें सेकेंड ऑप्शन है बी इज बेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए, ठीक है, यानी क्या कर रहा है इसने 6-6 महीने का, ठीक है, ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 हो जाएगी। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, ऐसे ही आपके सेम क्वेश्चन आते हैं, जब आपसे क्या पूछा था, टाइम पूछा होता है डायरेक्ट, आपने कौन से में करना है, आपका कितना दिया है 80,000 और ये बन रहा कितना 92,610, आप इसको कट कर लीजिए। अब आगे कट नहीं हो रहा ना, हमें रिमेंबर होना चाहिए कुछ, मैंने जो हमारा नंबर सिस्टम किया था ना उसके अंदर भी बोला था कि आपको है ना कम से कम भी 25 तक के स्क्वायर याद करने, स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अब इसकी बात करें ना, देखिए इसको तो देख ही सकते, 3 0 है, 1 0 आ गई इसमें से, और ये 2 का क्यूब है 2 क्यूब, ये क्या आपकी साथ में इसकी 3 0 है ना, अभी इनमें से बात करें तो ये आपका 20 का क्यूब है, ठीक है, और ये आपका कितने का 21 का क्यूब है, क्लियर। अब 10% था ना, 10% देखो 10% क्या है, ये हमारा वार्षिक है, अगर हम बात करें अर्धवार्षिक की तो 10/2 यानी कितना 5% रहेगा हमारा, क्लियर, तो ये कितना है आपका देखो 1/20, एक इंक्रीज हो रहा ना 1/20 यानी कितना आ रहा 5% ही, तो हमारा जो टाइम है कितना है 3 साल, कितना 3 साल, सॉरी हाँ 3 साल है आपका, 3 साल की बजाय क्या होगा हमारे पास, हमारे पास क्या काउंट है अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है तो यानी 3 टर्म बनेंगे हमारे, 3 टर्म बनेंगे तो 6-6 महीने की अगर बात करें हम 3 टर्मों में, तो कितना हुआ ये आपका 1/2 ईयर,
ठीक है, अगर मंथ दिए होते तो हमारे पास 18 मंथ आ जाते, इसको ध्यान रखना। क्लियर? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एवरेज के। ये क्वेश्चन आपको मैं बहुत बार करवा चुका हूं, ठीक है। क्या आपके पास एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर यानी रिटायर हुआ 25 वर्ष का नया अध्यापक उसके स्थान पर आता है, परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या आपके टीचर कितने, 10, उनकी एवरेज हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है, नहीं पता। लेकिन जो नया एक टीचर आया, इसमें से पहले तो क्या हुआ, एक गया है टीचर, लेकिन उसके स्थान पर क्या है, दूसरा आया है, उसका हमें पता हो कितने साल का आपका 25 साल। इसी के कारण आने से अब संख्या तो हमारी कितनी 10 ही रही ना। अब जो पहले टीचर गया रिटायर हुआ यानी इससे ज्यादा उम्र थी उसकी, अब उसके अंदर पूछा आपसे नहीं उसकी क्या होगी, इसके कारण क्या हुआ, जो सारे के सारे थे उनकी 3 वर्ष क्या होगी आपकी एवरेज आयु कम हुई। क्लियर? अब उसकी थी कितनी, 25 तो होगी होगी, ठीक है, उसकी जगह है, उसने ले ली जगह। अब दूसरा 3 वर्ष कम हो रही ना, कितने बंदों के साथ, 10 × 3 कितनी हुई आपकी, 25 प्लस आपका 30, यानी कि वो जो टीचर रिटायर हुआ है हमारा सेवानिवृत्त हुआ है उसकी आयु कितनी, 55 वर्ष। ऑप्शन आपका बात करें तो कितना, 3। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिस्प्रिसिएट एवरी ईयर बाई 10%, यानी एक मशीन की कीमत है ना हर साल 10% कम हो रही है। देखिए आप प्लॉट वगैरह उनकी तो जो भी कीमत क्या होती है बढ़ती रहती है, लेकिन जो मशीनरी है ना, गाड़ी ले लो आप चाहे बाइक ले लो, पुरानी होती रहेगी कीमत, डाउन होती रहेगी। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है कि एक मशीन है उसकी वैल्यू हर साल कितनी, 10% कम हो जाती है। उसके बाद अगर वर्तमान में उसकी कीमत 50,000 रुपये, तो 2 वर्षों बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, 10% कम हो रही है। 10% कितना, यानी 1/10। अगर हमारे पास 10 है उसकी, तो नेक्स्ट ईयर कितनी होगी, 9 होगी। कहिए सेम रेशो रहेगा, आपने कुछ नहीं करना, जब इस टाइप का होना, ये आपकी जैसे चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना हमारा, ठीक है, उसी टाइप से होता है। क्लियर? और जो हमारा डिस्काउंट की बात करें वो भी ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब ये आप मान के चल सकते हो कि उसमें डिस्काउंट दे रहा 2-10% के, ठीक है। अब आपसे पूछा कीमत, तो कुछ नहीं करना, आपकी कितनी टर्म, 2 साल की पावर 2 कर दो, यहाँ पे कितना 100 और यहाँ कितना 81। अब इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है कितनी, 50,000, कितने गुना है आपकी, 500 गुना। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, 500 से गुना कर देंगे, 2 साल बाद जो हमारी कीमत होगी मशीन की वो आ जाएगी कितनी आपकी, 40,500 रुपये। डन। ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास कौन सा है, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ₹170, यानी कोई वस्तु है इसको ₹170 में बेचने पर 15% की क्या होती है, हानि होती है। तो उसी वस्तु पर अगर 20% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अब देखिए 100 में से हमारा 15 यानी लॉस हो रहा है, तो माइनस होगा 15%, यानी कितना बचा, 85। और अब वो कह रहा है अगर उसे चाहिए कितना, 20% प्लस चाहिए, तो कितने बिकनी चाहिए आपकी, 120 में ये होगा। लेकिन ये 85 न होकर कितना आपका, ₹170 है, यानी कितना, 2 गुना। तो इसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी कितना, हम उसको अगर जो दुकानदार है उस वस्तु को ₹240 में बेचेगा तो उसे क्या होगा, 20% प्रॉफिट होगा। डन। इतना ही था। अब आपका एक संख्या में 56 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत पूछे जाते हैं आपके, आपने कुछ नहीं करना, जब आपसे बाद में पूछा जाए ना, ठीक है, कि उस संख्या को इतने से भाग करें तो क्या होगा। अगर जो पहले बोला गया, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 56 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना हमारा 29 बच रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा है 8 से भाग दें, 8 से भाग देंगे, ये इसका पूरा मल्टीपल है ना,
ठीक है, यानी अगर ये 8 इसको पूरा डिवाइड हो रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, वही आपकी क्या होगा आंसर होगा। अगर 8 से हम इसको डिवाइड करें तो कितना होगा, 8 से 8 3 24 यानी कितना 24, यानी बचेगा हमारे पास कितना रिमाइंडर 5। डन, ऑप्शन आपका 2। नेक्स्ट है आपका, मोहन गेट 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट सम एंड लूजेस 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। ही अटेम्प्ट 30 सम एंड ऑब्टेन 40 मार्क्स द नंबर सम सोल्ड करेक्टली। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास क्या कह रहा है, मोहन है ना, मोहन किसी एग्जाम के अंदर बैठा है, ठीक है। अब उस एग्जाम की कंडीशन है, अगर कोई क्वेश्चन ठीक होता है तो उसके लिए मिलते हैं 3 अंक, अगर उसका गलत होता है तो कितने अंक काट लिए जाते हैं आपके, 2 अंक, ठीक है। अब मोहन ने 30 सम क्या किए आपके, अटेम्प्ट किए हैं, और उसमें से है ना उसको नंबर कितने मिले, 40 अंक मिले पूरे 40। तो आप बोल रहा है कि उसने ना कितने प्रश्न सही हल किए थे। अब इसके अंदर है ना देखो, सिंपल सा एलिगेशन मिक्सर लगा के दिखाता हूँ आपको, टोटल हमारे पास कितने हैं 30 सम है ना उसने जो किए हैं, क्लियर। अब देखिए अगर ये सारे के सारे ठीक किए होते तो कितने अंक मिलते उसको, 90। अगर ये सारे के सारे गलत किए होते तो कितने होते, -60। यही चीज़ है, लेकिन इन दोनों का हमारे पास जो मिला वो कितने 40 अंक मिले हैं, यही मिले हैं। अब इनको बस कुछ मत करिए आप, यानी ये तो कितने हैं 3 और ये वो आपका, यानी ये राइट और ये रॉन्ग का। अब इसमें क्या करना था, आपने जो बिग वैल्यू ना उसमें से छोटे वाली माइनस करनी होती है। अगर 90 में से 40 माइनस करेंगे कितना आपका 50, अगर 40 में से 40 ही बड़ा है ना, 40 में से 60 माइनस करेंगे यानी 40 माइनस माइनस का 60 करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा ना साइन, तो हमारे पास ये कितना 100। अब आपके पास रेशो आई कितना 2 और ये कितना 1, 2 रेशो 1 आया, ठीक है। अब आपसे पूछा है टोटल हमारे कितने हो गए, 3 सम हुए अगर ऐसा होता है तो, लेकिन हमारे पास सम कितने हैं 30 जो उसने किया, यानी कितना 10 यूनिट। तो आपसे पूछा करेक्ट, करेक्ट वाली है तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, यानी उसने जो एग्जाम था उसके अंदर कितने 20 अंक जो हैं करेक्ट किए हैं, क्लियर। ऑप्शन नंबर आपका 2। अगर नेक्स्ट है ना आपके पास दिया है, कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड दी है आपकी, ट्रायंगुलर फील्ड है यानी एक खेत है किसका, त्रिभुज के आकार का, ठीक है। उसकी भुजाएं दी हुई है आपकी 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, उसमें 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत। कोई खेत है आपका 15 मीटर 20 मीटर और आपका 25 मीटर की जो है उसकी भुजाएं ट्रायंगुलर शेप में है आपका, ठीक है, इस टाइप का कोई खेत है। अगर बात करें ये कितनी है, अगर कुछ भी लिख लो 15 20 25 किसी को कोई मान लो आपको। अब ये कह रहा है इसके अंदर हम अगर इसको बोए बीज बोए इसके अंदर तो 5 रुपए ले रहा है प्रति मीटर स्क्वेयर, मीटर स्क्वेयर। तो पूछ रहा पूरा खर्च कितना आएगा, पूरा खर्च अगर हमने निकालना मीटर स्क्वेयर है ना तो हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए खेत का, तभी हम निकाल पाएंगे। क्षेत्रफल ट्रायंगल का कैसे निकालते हैं हम, रूट होता आपका एस, ठीक है, इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी आपका, यही होता है फॉर्मूला, क्लियर। अब एस निकाल लेना, एस क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो S कितना होगा हमारा 25 प्लस 20 प्लस 15 डिवाइड बाई आपका 2, यानी कितना हुआ टोटल आपका 60 डिवाइड बाई 2 करोगे तो हमारा S कितना आया 30, क्लियर। अब हम निकालें एरिया, एरिया की बात करें तो कितना होगा 30 इंटू 30 में से माइनस करो, एक बार 25 माइनस कर लो 5, एक बार माइनस करो 20 10 और फिर माइनस करो 15, ठीक है। अब देखिए हमें रूट करना है ना, पूरा मत कीजिए आप, इसी के यहीं पे फैक्टर बना लीजिए। इसका अगर हम फैक्टर बनाएं तो कितना बन सकता है, एक तो 5 है इसके अंदर, एक आपका 3 है और दूसरा क्या आपका 2 है, अभी एक ये 5 ये है ही, नेक्स्ट में आपका 5 इंटू क्या है आपका 2 है, ठीक है, और नेक्स्ट में क्या आपका 5 इंटू 3 यही है। अब इसमें से हमने क्या करना है, एक एक मतलब जितने भी पेयर होंगे उनमें से हमने हाफ लेने, यानी अगर 5 की बात करें तो कितने हैं 1 2 3 4, यानी हमें चाहिए 5 की पावर कितनी 2 इंटू 3 कितने 1 और 2, यानी 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 कितना हुआ हमारे पास 5 का 25 और इंटू 6 यानी कितना आपका 150 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आया, एरिया आ गया, यानी क्षेत्रफल आया किसका आपका, ट्रायंगल का,
ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपसे पूछा है कितने खर्च आएगा, तो टोटल जो हमारा खर्च आएगा वो कितना आएगा, कुल लागत आपकी कितनी आएगी, 150 इंटू कितना था 5, यानी 750 रुपये टोटल हमारा खर्च लगेगा किसमें, बीज बोने के अंदर। ठीक है, ऑप्शन आपका बात करें तो थर्ड, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है आपका, फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 15 प्लस 65 प्लस आपका 175 और टर्म है आपकी अप टू 20। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, देख लेना अपना अच्छे से। 1 प्लस 15 प्लस कितना 65 प्लस आपका 75। अब देखिए आप देखोगे ना इसके अंदर कुछ नहीं बनना, लेकिन आपने एक चीज को इसमें कैच कर लेना है। देखिए इन दोनों को ऐड करो, दो टर्म होती है हमारे पास, तो कितना बन रहा है 16। ठीक है, इसको अकेले अगर रखोगे तो 1। अब इसको और ऐड कर लो साथ में, कितना बन रहा है ये 81। ठीक है, इसी तरह से आगे भी ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपका 256। अब देखिए जब एक टर्म थी तो 1 की पावर 4, फिर 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और 6 की पावर 4। अब कुछ नहीं करना, जितनी टर्म है ना, जो सी भी टर्म बन रही है आपकी 4 की पावर 4। अब देखिए फर्स्ट टर्म थी 1 का हो रहा है, सेकंड में 2 का हो रहा है, थर्ड में किसका आपका 3 का, और फोर्थ में 4 का। अब ऐसे ही हमसे पूछा है कहां तक, टिल 20 तक, तो हमने कुछ नहीं करना, 20 का 4 पावर कितनी होगी, 20 की 4 पावर करें तो हमारे पास एक तो 2 की पावर 4 तो है 16, और साथ में कितनी 40, तो हमारा जो सम आएगा वो कितना आएगा 16000। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए इंटू बी इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस ए बाई बी। अब आपसे पूछा है कि अगर हम वही 12 इसके साथ में स्टार लगा रखा है और 4 इसकी वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या होगी, हमने कुछ नहीं करना, इसको ए ले लेना, इसको बी। अब जो हमारे पास दिया ना ए प्लस बी प्लस ए बाई बी, इसके अंदर पुट कर देना है, ए कितना 12 प्लस 4 प्लस कितना 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि 3, तो 12 4 16 और 3 19 आपका आंसर होगा। डन, इतना ही था ऑप्शन 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 33,630 रुपये हैं आपके, 33,630। अभी बोल रहा है इनको है ना रवि, अशोक और प्रकाश के बीच क्या किया गया है, बांटा गया है, जो भी पार्ट है वो देर खाम से। अब देखा सुने इस प्रकार बांटे, रवि और अशोक, ये आपका रवि और फिर आपका कौन है, ये आपका है रवि यहाँ पे, फिर आपका रेशो देर का अशोक के साथ। रवि और अशोक का जो रेशो है वो कितना गया है आपका 3:7। उसके बाद ये आपका अशोक रेशो प्रकाश, अब साथ में कौन है, प्रकाश भी है, तो इसके साथ जो अशोक का रेशो दिया कितना दिया आपका 6:5। अब यहाँ पर 7 पुट कर लीजिए, यहाँ पर 6 पुट कर लीजिए। अब इनका तीनों का रेशो ले लिया हमने, क्या रेशो लिया 18, यहाँ कितना 42 और ये कितना आपका 35। क्लियर। अब अगर इनकी टोटल की बात करें तो टोटल कितना हुआ हमारे पास देखो इनको है ना आप ऐसे ऐड कर लिया करो, कुछ नहीं करना, 18 और 42 है। अब इनको भूल जाओ 8 रुपये, इसको 10 बनाओ, 10 और 40 50 50 और 10 कितना 60, 60 और 35 कितना आपका 95। क्लियर। अब इसी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 33,630। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि जो अशोक को कितनी राशि, अशोक को कितने रुपये मिल रही, 42 रुपये मिल रही ना। अब देखो अगर ये कट करो तो आप कट लो, यहाँ से ही कट कर सकते हैं, अगर 5 से कट करें हम कितने गुना हो गए ये चेक करना हमने, 5 से कट करें यहाँ कितना 6 7 2 और आपका 6। अब 19 से कट कर लो, ये कितना है 19 इंटू कितना आपका 5 है ना। ठीक है, 19 से कट करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास 19 की 3 से फिर आपके 5 और 4 यानी ये इसका कितना गुना है 354 गुना, तो इसको भी हमने 354 गुना कर देना।
अब इसके अंदर भी देखो एक खास बात बताता हूँ तुम्हें, आपके पास है ना देखो ऑप्शन है ना, उनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके पीछे क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है, ठीक है 14,868। तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा आंसर कितना ही नहीं, अशोक को कितने मिलेंगे 14,868 रुपये मिलेंगे इसमें से, यानी ऑप्शन ए। क्लियर? कैलकुलेशन भी जितनी जल्दी करोगे, जितना आसानी से करोगे, जितनी जरूरत है उतनी ही करें हम, पूरी कैलकुलेशन आप एक साइड में करते रहो आप, ठीक है 354 की रुपया इसकी जरूरत नहीं है। अब हमें पता लगा पीछे क्या आएगा, 8 आएगा, 8 हमारा ऑप्शन ए की है, कौन सा 14,868 ऑप्शन ए, बस बात खत्म। अब नेक्स्ट, यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई 5% की वृद्धि, अब आपकी आयताकार है तो उसकी क्या होगी, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ में कह रहा है 5% की क्या आपकी इंक्रीमेंट, यानी 5% कितना होता हमारे पास 1/20, यानी 20 से कितनी हुई 21 हुई। क्लियर? उसके बाद अब कह रहा है आपका उसकी जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है उसके अंदर 10% की क्या कर दी, कमी कर दी, 10% की बात करें तो कितना होता है हमारे पास 1/10, अगर 10 थी तो कितनी बची, अब 1 - हुआ 9। अब आपसे पूछ रहा है उसके जो एरिया है ना उसके अंदर कितना फर्क है, अब देखो एरिया क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी एल इंटू बी होता है। अब इसकी बात करें कितना हुआ एरिया, पहले कितना था 200 था, अब कितना 189, कितना कम हो रहा है 11। अब आप सोचो कितने परसेंट, तो ये 20% के लिए हमने कट कर दी, 11 को डिवाइड किया किससे 2 से, कितना 5.5% हमारा क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एरिया। क्लियर? यही आपके वही 15 क्वेश्चन थे आज की क्लास के, इसी तरह के हम है ना मिक्सअप जैसे हमने अब कर रहे हैं ऐसे आगे करते चलेंगे जब तक चलेगा आपका टिल एग्जाम तक। कहे आप इनके साथ है ना अपनी प्रिपरेशन कैलकुलेशन को आप करते रहिए, अगर फिर भी आपको है ना किसी चीज़ की जरूरत, जैसे PDF है, PDF हमारी है ना कुछ मत करो आप, जो हमारा चैनल है आपका टेलीग्राम का, ठीक है टेलीग्राम पे आप सर्च करना, आई जो आपका स्मॉल में है, एल आपका कैपिटल, आई लर्न कोचिंग्स, आई लर्न कोचिंग्स, इस नाम से आप अगर किस पे टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना आपको दिख जाएगा इन्हीं क्वेश्चन के ना 15 के 15 जो भी हम कर रहे हैं इनकी आपको वहां पर PDF मिल जाएगी, ऐसे कैसे सेम जो भी है, ठीक है तो आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। आप है ना इनको प्रैक्टिस करते चलिए अच्छी, हाँ इसको टिल एग्जाम तक करेंगे, अगर मान लो हमारे पास अगर हमें 50-60 दिन मिलते हैं ना तो आप काउंट करके देखो तो हम 600 से प्लस यानी 700-800 के आसपास क्वेश्चन कर देंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, ठीक है तो इन्हीं टाइप के आपके जो मिक्सअप इसीलिए करवा रहे हैं। ओके थैंक यू।